मोदी जी का कहना था कि करप्शन इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक टू डेमोक्रेसी एंड जस्टिस ने सीबीआई के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को इनॉग्रेट किया। साथ ही साथ शिलोंग, पुणे और नागपुर में पहले डायमंड जुबली है क्या और बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को गोल्ड मेडल मिले। सीबीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडिया को करप्शन फ्री कंट्री बना दे। 1 अप्रैल 1963 ये वो दिन था, कोई भी करप्टेड पर्सन बचना नहीं चाहिए। तो यारो 3 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने सीबीआई के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को इनॉग्रेट किया। पर ये डायमंड जुबली है क्या? देखो, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी बड़े इवेंट का 60th एनिवर्सरी हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर इवेंट जिसके 60 साल पूरे होते हो, तो उसको डायमंड जुबली सेलिब्रेशन बोला जाता है। सीबीआई के 60th एनिवर्सरी पर मोदी जी का कहना था कि करप्शन इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक टू डेमोक्रेसी एंड जस्टिस, मतलब कि डेमोक्रेसी और जस्टिस का सबसे बड़ा दुश्मन करप्शन ही है। पिछले 6 डिकेड से सीबीआई ने अपने आप को मल्टी डिमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साबित किया है। विज्ञान भवन जो कि न्यू दिल्ली में मौजूद है, यहाँ पर मोदी जी के द्वारा सीबीआई का 60th एनिवर्सरी का इनॉग्रेशन किया गया और साथ ही साथ शिलोंग, पुणे और नागपुर में खुले गए नए सीबीआई ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस का भी इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया। सीबीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडिया को करप्शन फ्री कंट्री बना दे, कोई भी करप्टेड पर्सन बचना नहीं चाहिए। इस ओकेजन में मोदी जी के द्वारा आउटस्टैंडिंग सर्विस ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिलेगी और बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को गोल्ड मेडल मिलेगी। 1 अप्रैल 1963 ये वो दिन था जब सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बनाया गया था और तब से लेकर आज तक सीबीआई देश में होने वाले ऑलमोस्ट सभी क्राइम्स को बहुत इफेक्टिवली सॉल्व करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और उम्मीद है कि भारत को बहुत जल्द एक करप्शन फ्री कंट्री बना देंगे। वैसे यारो इतना सारा ज्ञान पसंद आया और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जल्दी से सबको शेयर करो ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके और तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में।